अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं व्यूअर्स। आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो 2018 मॉडल की टोयोटा एल्टस 1.6 की फ्यूल एवरेज का है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले थैंक यू करूंगा नवाज शरीफ का, जिन्होंने मोटरवे बनाई। ये इस टाइम मैं जो हूँ वो मुल्तान, लाहौर मुल्तान मोटरवे पे हूँ, और वाकई आपको अंदाज़ा होता है क्योंकि ये चीज़ है, ये हकीकत है, ये आपके सामने है। जिन्होंने काम किया है, सस्ता किया है, महंगा किया है, जो भी है, आपके सामने है, ये रियलिटी है। जो नहीं मानते, मैं नहीं जानता उनकी कोई पॉलिटिकल इशू हो सकता है या कोई आपका जातियात पे हो सकता है, बट जो हकीकत है आपके सामने है, देख रहे हैं मोटरवे है, कितने सुकून से हम जा रहे हैं। और इस टाइम अगर देखा जाए 140 पे इसकी अगर फ्यूल एवरेज देखी जाए तो 12.7-12.8 दे रही है, कभी 12.9 पे भी चली आती है, बट नॉट कि अगर आप कह लें कोई इतनी वो नहीं है, बट इसको अगर 120 पे चलाएं तो ये आपको फ्यूल एवरेज तकरीबन दे देती है 13.2 की, जो कि मेरे ख्याल है 1.6 इंजन की बहुत अच्छी एवरेज है। मलाई की तरह चल रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, सारा कुछ आपके सामने है। बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि स्पीड इसमें ज़्यादा तेज़ ना चलाएं, क्योंकि सड़क खाली है और एक्सीडेंट का 100% चांस है, और मैंने रास्ते में 2-3 एक्सीडेंट भी देखे हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूँ कि इस मोटरवे पे फ़िलहाल अभी कोई ऐसा आप कह लें कि फ्यूल स्टेशन या कोई टूल स्टेशन कुछ भी नहीं है, जस्ट ये कि आप एंटर हों और एग्ज़िट हों, इसमें कोई मतलब आप कहें कि रेस्ट एरिया कुछ नहीं है। और इधर क्योंकि लिख के भी इन्होंने लगाया हुआ है 2-3 जगह पे कि अगर आपका पेट्रोल खत आप फुल करवा के आएँ इधर, क्योंकि पेट्रोल पम्प थ्रू आउट रस्ते में कोई भी नहीं है। तो ये कि जब भी जाएँ इसका ये ज़रूर ख्याल करें पेट्रोल का। बाकी गाड़ी की ड्राइव अगर देखी जाए स्मूथ है, गाड़ी आपके सामने है और स्टेबल है गाड़ी, बट एक चीज़ की ज़रूर मुझे कमी लग रही है, जिसका भी ये इस टाइम मैं लॉन्ग पे हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है, क्रूज़ नहीं है गाड़ी में, क्रूज़ नहीं है, जिसकी वजह से कभी स्पीड ऊपर होती है, कभी बहुत कम हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो और इस टाइम आप देख रहे हैं एवरेज जो है आपके सामने है गाड़ी की, और मेरा ख्याल है कि इसमें ये कि क्रूज़ होना चाहिए, क्रूज़ की कमी और सीट एडजस्टमेंट की बहुत कमी है। सीट एडजस्टमेंट ये नहीं है, ड्राइविंग सीट की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ऊपर वाली जो है टिल्ट हो जाती है, बट ऊपर वाली नहीं है, जो कि मेरा ख्याल है एक बाकी ठीक है ओवरऑल गाड़ी, बट ये कि इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए मेरा ख्याल है, अगर इतने पैसे ले रहे हैं। और चाबी अब मैंने सुना जो नहीं आ रही है उसमें चाबी भी इन्होंने हर एक में बुश स्टार्ट कर देंगे, जो कि मेरा ख्याल है अच्छी बात है। वीडियो ख़त्म करने से पहले वंस अगेन थैंक यू टू PMLN एंड नवाज शरीफ, क्योंकि उनकी जो मोटरवेज हैं, उनकी जो चीज़ें हैं आपके सामने नज़र आ रही हैं, आपको पता चलता है, आपको फी आपको मतलब ये रियलिटी है, ये रियलिटी है भाई, ये रियलिटी आपके सामने है। काम जिन्होंने किया है उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है, और जिन्होंने सिर्फ बातें की हैं, और ये जो तब्दीली सरकार है उनकी भी परफॉर्मेंस आपके सामने है। और ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये सर ये देख लें आप, मतलब रिंग रोड से इससे जाएं, ये मोटरवे से जाएं और आप दूसरी रोड से जाएं, आपको ज़मीन आसमान के आपको आपके चार तबक रोशन हो जाएंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। बाकी आपने किसी किस्म की अपनी गाड़ी का रिव्यू कराना हो मुझे ज़रूर कमेंट में लिखें, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई करूँगा। इसे शेयर करें, लाइक करें, और ये कि कोई बात तो ज़रूर पूछें, नेगेटिव कमेंट प्लीज़ ना किया करें। और यही है कि दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।